अस्सलाम वालेकुम। आज भी लाइफस्टाइल में बन रही है मटन हांडी। इसके लिए मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर को रोस्ट कर लिया है। आग के ऊपर ऐसे जाली रख कर उसके ऊपर रख कर रोस्ट कर लें। उसके बाद एक बर्तन में आधा कप ऑयल डालकर इसमें गोश्त और कीमा इकट्ठा लिया है इसको डाल दें और डालकर थोड़ा सा भून लें और साथ ही मसाले डाल दें। नमक, सुरख पिसी हुई मिर्च, हल्दी, दालचीनी का टुकड़ा, दो बड़ी इलायची, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और धनिया पाउडर भी और पिसा हुआ ज़ीरा, सब कुछ डालकर इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। गोश्त में मैंने पानी नहीं डाला है, ये अपना ही पानी छोड़ देगा। इसके बाद इसमें ये जो प्याज और टमाटर लहसुन रोस्ट किए थे, प्याज को स्लाइस में काट कर डाल दें। टमाटर, अदरक, लहसुन को पीस कर डाल दें। ये साथ ही भून जाएंगे दम पे ही। ये कीमा और गोश्त मैंने लिया है, इसको दम में ही गल जाएगा। इसके बाद गोश्त को दम पर रख कर साथ ही बिरयानी तैयार कर ली है, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी भी बहुत ही अच्छी बनी थी। अब जो गोश्त हमने दम पर रखा था, हल्की आंच पर रखना है, वो भी पक गया है। उसको अच्छी तरह भूनने के बाद जब वो ऑयल छोड़ दे तो उसमें अदरक, कटी हुई बारीक हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर गार्निश कर लें और प्लेटर में निकाल लें। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ ही हमने केक भी काटा था। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर बनाएं। प्याज और टमाटर लहसुन रोस्ट करने के साथ डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत शुक्रिया।